हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह 7 बजे हम जा रहे हैं कहीं पे, तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बुबैदा आया है गाड़ी लेके 7 बजे हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, और हम सुबह 6 बजे उठे हुए थे और उसके बाद फटाफट रेडी होके निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। तो अभी यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा से वैसे ज़्यादा ही लगता है, बट अभी क्या है ना कि सुबह के टाइम में थोड़ा सा रोड खाली होता है, तो इसके वजह से थोड़ा टाइम कम लगेगा और हम आराम से पहुँच जाएंगे। और ये देखिए टी गार्डन यहाँ का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम एयरपोर्ट जाने से पहले ये वाला टी गार्डन है तो अच्छा लगता है बहुत। और अभी हम बस पहुँच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है, तो अभी हमारे हाथ में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है, तो कोई परेशानी नहीं होगी आज। और यहाँ पे अभी हम उतर जाएंगे और फिर फटाफट सब काम निपटा के फिर अंदर चले जाएंगे। तो अभी आज काफ़ी भीड़ है, वैसे ये थोड़ा सा छोटा एयरपोर्ट है इसीलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत टाइम से पहले पहुँचना पड़ता है। पहले तो ऐसे ज़्यादा होता था, बट आजकल क्या हुआ है 2 गेट कर चुके हैं, तो इसके वजह से आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी ना भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वहाँ पे अभिषेक सब कुछ कर लिया काम, और फिर हम ऊपर आ चुके हैं अपना बोर्डिंग पास लेके। तो 9:40 में प्लेन टेक ऑफ करेगा, तो इसलिए अभी 9 बजे है बोर्डिंग का टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम और भी बैठना पड़ेगा, बस प्लेन यहाँ पास में ही है पर पता नहीं यहाँ पे बस क्यों दिया हुआ है, बस वही दिख रहा है। तो यहाँ से हम आसानी से पैदल चल के जा सकते थे, लेकिन ये लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या घूम रहा था कि ये लोग ऐसे बस से फिर बिना मतलब कि पीछे से घुमा के लेके आए। और अभी हम चढ़ गए हैं फ्लाइट में, और फ्लाइट में आते ही आज मतलब इतना फॉगी बना रखा था, हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था, और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा फॉग से प्रॉब्लम हो जाती है धुएँ से, तो मुझे थोड़ा सा सफोकेशन फील हो रहा था यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ से पहाड़ दिख रहा है, तो यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही मस्त है। तो ये वाला एयरपोर्ट, जैसे 6 साल से मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये काफ़ी छोटा था पहले, अब थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, और काफ़ी सारे अलग अलग एयरपोर्ट से यहाँ पे फ़्लाइट स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ ही दिनों में हमारे दुर्गापुर में भी फ़्लाइट अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से, तो वो एक खुशी की बात है हमारे लिए। और बातें करते करते हम यहाँ पे लैंड कर चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट में। फिर अभी यहाँ पे ना 3.5 घंटा बैठना है, क्योंकि वहाँ से ना बागडोगरा से डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं था, तो हमें बाया कोलकाता जाना पड़ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे 3 आवर्स 40 मिनट यहाँ पे वेटिंग है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक बार लॉन्च में जाके थोड़ा कुछ खा के आए, तो अभी हम इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे पास कार्ड है एक, और उससे अभिषेक का हो गया बट मेरा नहीं हुआ था, तो मैं एक्स्ट्रा पे करके गई हूँ। और हमने काफ़ी सारा खाना खा लिया, और खाने के बाद बहुत देर तक वहाँ पे ही बैठी रही, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, फिर मैंने बोला कि चलो चलते बाहर भी जाके थोड़ा सा बैठते, तो इसके बाद हम आ चुके थे, और बाहर थोड़ा सा बैठने के बाद फिर फ़्लाइट में चढ़ गए। और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, 40 मिनट, तो फ़्लाइट में हमें और भी 40 मिनट बैठना पड़ा, और इसीलिए हम आज पूरा ही बोर हो चुके हैं, 8 घंटा लिया है। और अभी यहाँ पे हम फिर से हमारा फ़्लाइट स्टार्ट हो चुके हैं, और ये मिडिल वे में है, और अभी देखिए यहाँ से ये जो बादल है कितना अच्छा लग रहा है, और अभी जस्ट लैंड हो रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मैं फिर से जयपुर जा रही हूँ, मतलब एयरपोर्ट में मैं पहली बार आई हूँ, पहले एक बार दिल्ली से मैं गई हुई थी बाई कार, तो
उस टाइम बस वैसे ही घूमे थे हम, और एयरपोर्ट में मैं पहली बार जा रही हूँ और पर मुझे पता भी नहीं है कैसा एयरपोर्ट है। तो ये एयरपोर्ट देख के मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा है, बट ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम है, और थोड़ा बहुत अंदर डेकोरेशन भी ठीक ठाक है। और ये बाहर साइड, इस साइड में थोड़ा सा वो राजस्थानी जो लुक होता है ना, तो वैसा किया हुआ है, अच्छा है। और बाहर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब अंदर तक जैसे चल के जाना पड़ता है तो वैसा वाला नहीं है, बिल्कुल एयरपोर्ट से निकलते ही मेन रोड है। तो अभी हमने यहाँ से ले लिया है एक कैब और फिर हम हमारे डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। रास्ता काफ़ी गंदा था, बारिश हो रही है तो मुझे जलपाईगुड़ी का ही फीलिंग आ रही थी, और हम जैसे ही यहाँ पे उतरे और बारिश भी स्टार्ट हो गए हैं, मतलब पहले से ही बारिश हो रखी थी, तो काफ़ी ठंडा मिला है आज हमें। और ये जो है ये आज हमारा गेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे हम दो तीन दिन रुकेंगे, मतलब यहाँ पे जितने दिन रहेंगे तो यहीं पे रुकेंगे। तो अभी यहाँ पे जाके थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद शाम को देखते कि क्या करना है, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। और अभी बस जाके थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे फिर उसके बाद। और मैं ये वाला वीडियो ना ऐसे सीधा करके लिया हुआ था, तो इसके लिए ये ऐसे ही मुझे डालना पड़ा। और अभी यहाँ से थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर पियेंगे चाय कॉफ़ी जो भी है। मैं ना आजकल भूल जाती हूँ कि बातें करते करते कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, तो मैं टॉपिक से पूरा ही अलग हो जाती हूँ और क्या क्या बोलती रहती हूँ, बीच में चुप हो जाती हूँ। तो ऐसे तो पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ। तो जो भी है छोड़िए, वो मतलब क्या ही बोले इसके बारे में। और यहाँ का जो राजस्थानी जो क्या बोलते हैं फर्नीचर वगैरह है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे घर भी बहुत छोटा छोटा है, बट कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। और ये है बाथरूम, और पहले मैंने दिखाया था पीछे की साइड, और मैं ये अच्छे से फिर से थोड़ा सा लिया वीडियो। ये देखिए, ये फर्नीचर के मैं बात कर रही थी। और फिर हम थोड़ा सा ना रेस्ट करके बस एक घंटा, फिर उसके बाद हाथ मुंह धो के फिर हम निकल गए फिर से, और हम जा रहे हैं डी मार्ट, क्योंकि हमें लेना है थोड़ा बहुत सामान, और इसके लिए हम जा रहे थे। और हमें अभी कुछ मिला नहीं है, मतलब यहाँ से वैसे करके ई रिक्शा या फिर ऑटो बहुत ही कम अवेलेबल होता है, तो इसके वजह से हमें कुछ मिला नहीं है। तो हम ये वाला ऑटो से पूछे थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हैं। लग रहा है आपका रिपोर्ट तो सामने है। हाँ, प्रे चलते चलते थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत देर से हम चल रहे हैं। वैसे तो गाड़ी में दिखा रहा था 3-4 मिनट का रास्ता, बट पैदल चल के वो होता है अगर नहीं है 15 मिनट का, तो ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं। रोड बहुत मस्त है यहाँ का, गोला गोली सा हुआ है कि नहीं आप समझ रहे हो ना, कोई मास अंदर आ नहीं तो दवा बता देगा तो फायदा नहीं है ना, बहुत उल्टा भी देख। तो ऑलमोस्ट है 1 किलोमीटर से ऊपर, तो हम थोड़ा सा वॉक कर लिए। और ये जिम कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब जिम देख के मैं फिदा हो गई, और मुझे लग रहा है कि मैं इसी जिम ज्वाइन करूँ। और बस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ भी एक जिम था बढ़िया सा, और इसी के बगल में है डी मार्ट। और अभी डी मार्ट में फटाफट जाएंगे, और मुझे जो एक दो चीज़ें लेना है तो मैं वो ले लूँगी यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ से हम चले जाएंगे घर। और जाते टाइम हम ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ, तो हमें मिल ही गया है ऑटो, और ऑटो से चलते हुए हम अभी पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी। और मुझे एक दो नींद की गोली लेना था, पर यहाँ पे ना राजस्थान में बिल्कुल नहीं दे रहा है। और फिर घर आने के बाद हम यहाँ पे खा रहे हैं रात का डिनर, और डिनर में आज बहुत कुछ था, पनीर रोटी सब्जी राइस और कढ़ी चावल, ये सब कुछ था। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय।